कांग्रेसी आचार्य प्रमोद को क्यों आया गुस्सा, चित्रा त्रिपाठी को पढ़ाया देश हित का पाठ। कट्टर कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद के सुर आजकल कुछ बदले बदले से हैं। ऐसा लगने लगा है कि वो सिर्फ कहने भर को कांग्रेसी रह गए हैं, क्योंकि बयान तो उनके सारे पीएम मोदी की तारीफ और बीजेपी को खुश करने वाले हैं। बेचारी कांग्रेस मोदी सरकार के जिस जिस फैसले को आगे आकर विरोध करती है, उस फैसले का आचार्य प्रमोद आकर समर्थन कर देते हैं। मोदी के विरोधी दलों को आचार्य प्रमोद अक्सर लताड़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जिस तरह से नई संसद के उद्घाटन समारोह का कुछ दलों ने विरोध किया था, उस पर भी आचार्य प्रमोद ने अपनी राय रखी थी और ऐसे विरोधियों को गधा तक बता डाला था। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए लिखा था, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, पिछले काफी वक्त से आचार्य प्रमोद कुछ इसी तरह के बयान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। हाल ही में आचार्य प्रमोद ने मोदी विरोधियों को लताड़ते हुए कहा था कि अगर संसद का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे। भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मेंबर्स को लेकर, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओबीसी के रास्ते पर ना चले। आचार्य प्रमोद के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। इस बहस में कहा जा रहा है कि क्या आचार्य प्रमोद साल 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस के बीच जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने आचार्य प्रमोद का इंटरव्यू लिया। चित्रा ने भी आचार्य से इसी तरह का सवाल पूछा कि क्या आप पाला बदलने वाले हैं, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने कहा कि वो राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते हैं और देश हित की बात करते हैं। आचार्य प्रमोद के इस इंटरव्यू को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने कैप्शन में लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बस चित्रा के इस कैप्शन को देखने के बाद आचार्य प्रमोद नाराज हो गए और उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश हित में बोलने का मतलब भाजपा ज्वाइन करना नहीं होता चित्रा जी। आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट पर जीनत सिद्दीकी ने लिखा, मेरा मानना है कि ये सवाल ही जवाब है। कांग्रेस को अपने बयानों से अक्सर असहज तो आचार्य जी कर ही रहे हैं, बीजेपी में जाना बेहतर फैसला होगा। वैसे किसके लिए, ये जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। बता दें, लोग आचार्य प्रमोद के पोस्ट पर कुछ इसी तरह से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट में लिखा था, भारत को भाजपा समझ लेना कोरी मूर्खता है। आचार्य प्रमोद अपनी बातों से, बयानों से जनता को अब कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर, जिस तरह से आचार्य प्रमोद ने चित्रा त्रिपाठी की गलती बताई और नाराजगी जाहिर की, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।